हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। अगले वीडियो में हमने देखा था कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि उनका सारा जीवन कर्म से ही भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर वह देश के प्रधानमंत्री, जैसे वह देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो कि शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनसे कर्मयोगी होने में ही छिपा है। तो उसका प्रधानमंत्री काल था 1992 से 1997 तक वह प्रधानमंत्री के पद पर रहे। उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा है। वे उन लोगों में से भी नहीं थे कि जो अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठ रहते थे और अचानक कभी उसे सफलता भी मिल जाती है, बल्कि वे इन लोगों में से थे जिनको अपने हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता था। वे धीरे धीरे अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्होंने फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस पर हमेशा अपेक्षित दृष्टि रखी। उनका जीवन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक था कि गीता के जीवन का उसका का जीवन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक था। आपको MCQ में पूछा जाएगा कि शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसके कर्म किसका प्रतिरूप था, तो गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें कर्मयोगी कहने के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना बिल्कुल उपयुक्त है। वो भी आपको 1 मार्क में या MCQ में पूछा जाएगा कि गांधी जी को हो कर्मयोगी कहना उचित है या निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो यहाँ तक हमने देखा था, अब हम देखेंगे आगे। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। ये आपको 1 मार्क में या 2-2 वाक्य के उत्तर में पूछा जाएगा कि ये शास्त्री जी के जीवन की 3 मुख्य विशेषता क्या थी। तो पहली विशेषता थी कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, कि अपना जो आस्था यानी कि श्रद्धा, कि अपने उद्देश्य के प्रति, उद्देश्य यानी कि लक्ष्य, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव। दूसरा है कि उस उद्देश्य को प्राप्त यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव। और तीसरा है उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, कि ये 3 बातें शास्त्री जी के जीवन में दिखाई देती थी। पहली थी अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, दूसरी थी उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, और तीसरी थी उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये 3 बातें शास्त्री जी के जीवन की मुख्य विशेषता या 3 बातें थी। मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती थी कि मुझे ये शास्त्री जी के जीवन में ये 3 बातें संपूर्ण दिखाई देती थी। जीवन दर्शन यानी कि जीवन में अपनाई हुई विचारधारा, कि ये जे शास्त्री जी के जीवन में ये 3 बातें मुझे दिखाई देती थी। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, कि उसने एक प्रवचन में ऐसा भी कहा था विचार, जब उसने अपना विचार व्यक्त किया था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक के क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होने के चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह से ये निर्वाह करना चाहते हैं, तो अपने कार्य, आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म को समन्वय होना चाहिए। समन्वय यानी कि मेल, दायित्व यानी कि जिम्मेदारी। वो कहते हैं
कि ही शास्त्री जी के जीवन की तीन बातें, उनके जीवन की जो बात है तीन, वो उसके जीवन दर्शन में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं। उसने एक प्रवचन में, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने एक प्रवचन में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में काम करते हो कि कार्य करते हो, क्या आप किसी भी, आप अभी छोटे हो परंतु आप जीवन में जब आगे जाएं तो आप कोई भी क्षेत्र में कार्य करते हो, घर में अभी तो आप घर में काम मम्मी का हाथ बढ़ा रहे हो या किसी काम कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो और साथ में किसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो दूसरी, तो कि यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, आपके दायित्व को यानी कि जिम्मेदारी को, आपकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं कि मैं पूरी तरह उसे निभाना चाहते हूँ, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए कि आपके जो कार्य है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक, राजनीतिक या किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म से समन्वय होना चाहिए कि आपने पूरी तरह उसमें ये मेहनत लगानी चाहिए, फिर आप सफल जरूर होंगे। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही नहिवत है। ये मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश का विकास की रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत पर ही होनी चाहिए कि नहीं निहित है कि ऐसी बात है कर्म की भक्ति की कि वो जीवन की जीवन दर्शन में पाने के लिए वह क्या है, तो कि शास्त्री जी की सफलता का रहस्य इसकी उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में है। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत पर ही नहिवत यानी कि निभित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है कि उनका संपूर्ण जीवन किस पर निर्भर है, तो कि श्रम यानी कि मेहनत, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है कि वो समर्पित यानी कि नौछावर कर देना, तो कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सादगी और सेवा समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके एक गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं हो पाते बल्कि उनके देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है कि एहसास यानी कि अनुभव, अभिव्यक्त यानी कि प्रकट करना, प्रकट होना, अनुपम यानी कि बेजोड़। शास्त्री जी के संपूर्ण जीवन श्रम, सादगी और समर्पण का अनुपम यानी कि बेजोड़ उदाहरण है। उनके एक गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही नहीं अभिव्यक्ति पाना यानी कि प्रकट नहीं होता, उनके कार्यों में ही प्रकट नहीं हो पाते बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है कि हम जब उसको देखते हैं तभी उसका एहसास यानी कि अनुभव हमें हो जाता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था कि उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उसमें अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ भी कहते थे वही करते थे कि जे वो जो ठान ले वो ही करते थे। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन में उसने गांधी जी के साथ काम किया तब भी उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देते हुए कहा था, तो कि वो जो भी कुछ करते कहते हैं वे ही करते थे और जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर कहते थे कि जो वो कहते हैं वो ही करते थे, परंतु जो कुछ भी करते थे वह
कि जो कार्य किया उन्होंने, कि जो भी क्षेत्र में वो जोड़ा, परंतु वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर ही, कि राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर ही उसने किया था। मुझे लगता है कि यह उसके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, कि मुझे लगता है कि वो उसके चरित्र की ही सबसे बड़ी विशेषता है, पंडित जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते हैं कि और उन्हें चाहते भी हैं। वो सब कहते हैं कि वह जो भी कुछ कहते हैं वही करते थे, और जो करते थे वो एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर ही करते थे। इसलिए मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसके कारण देशवासी ही उन पर इतना विश्वास तो करते हैं और उन्हें इतना प्यार चाहते, यानी कि प्यार भी उतना ही करते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्रपति थे और बाद में दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो कि पंडित जवाहरलाल की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना कोई आसान बात नहीं थी, कोई छोटी बात नहीं थी, और उसे आगे ले जाना और भी कठिन था, परंतु लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कर्म के साथ उसे आगे बढ़ाया। लेकिन देश के उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया कि उसने संकल्प यानी कि निश्चय, आकांक्षा यानी कि इच्छा। तो कि ये देश का नेहरू प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत को आगे बढ़ाना और उसे कोई छोटा काम नहीं था, बहुत कठिन था, लेकिन देश के उन समय उसने साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ देखा था कि उसे आगे बढ़ाना और कठिन कार्य को सरल बनाना और देश के लिए देश को हो कि उस पर, लेकिन देश के उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और निर्मल यानी कि शुद्ध पवित्र जीवन से, शास्त्र पवित्र चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा, संकल्प यानी कि निश्चय, आकांक्षा यानी कि इच्छा को पूरा किया कि उसने, शास्त्री जी ने अपने निर्मल पवित्र शुद्ध चरित्र से और दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा यानी कि अपेक्षा, इच्छा को पूरा किया कि हिज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो इच्छा थी कि यह प्रधानमंत्री पद और राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाए और उसे आगे संभाले, वो ऐसा लाल बहादुर शास्त्री में उसने ये निश्चय देखा था। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। यहाँ पर आपको एक मार्क में प्रश्न देखा पूछा जाएगा कि शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो कि शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। एक एक मार्क में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि वो उसके जीवन की एक सबसे बड़ी विशेषता कि वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। परवरिश यानी कि पालन पोषण के शास्त्री जी का जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में, एक छोटे से परिवार में ही पैदा हुए थे, जन्मे थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी, उनका पालन पोषण हुआ था, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। विनम्रता यानी कि विनय, प्रभाव यानी कि असर। तो कि विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था, और कहना न होगा कि
उसने कहा, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री बने, देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो के देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। उसके जीवन में विनम्रता, विनय, प्रभाव, असर यानी कि सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में का एक विशिष्ट आकर्षण पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का पूरा व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर उन्होंने सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। देखिए, गांधी जी के साथ उसके विचार, संपूर्ण विचार थे कि सेवा, समर्पण, त्याग, विनम्रता, सादगी, सरलता और ऐसा व्यक्तित्व गांधी बापू के साथ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि गांधी बापू के साथ उसका चित्र है, तो कि उसका पूरा व्यक्तित्व गांधी जी के निकट था, और इसीलिए उसे बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उनसे प्रभावित होकर उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों अपनी डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे, कि उनसे बापू से प्रभावित होकर उसने पढ़ाई तो छोड़ दी, परंतु 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों तथा डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उनके आदर्शों पर चलने रहे, और इसके लिए प्रेरित रहते। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की ये उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती थी कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, कि उसको ऐसा लगता था कि शास्त्री जी के साथ कि उसने लाल बहादुर शास्त्री जी ने बापू से ये साथ के विचारों से उसका विचार मिल सका, और वह उसे प्रेरित होकर के बापू से कदमों के साथ चलने के लिए उसने ये 1921 में अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतक यानी कि डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।